सोलन की सेब मंडी में करोड़ों रुपए का व्यवसाय हर वर्ष होता है, जहां देश और प्रदेश के व्यवसायी और बागवान सेब खरीदने और बेचने के लिए आते हैं। इस व्यवसाय पर कोरोना कर्फ्यू का असर ना पड़े, इसके लिए उच्च स्तर की योजनाएं एपीएमसी द्वारा चलाई जा रही हैं। सेब मंडी में ग्राहकों की कमी ना रह जाए, इसके लिए जहां एक और देश के व्यापारियों से संपर्क किया जा रहा है, वहीं प्रदेश के बागवानों के दिलों से कोरोना का डर निकालने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और उन्हें एपीएमसी सोलन द्वारा ये अपील की जा रही है कि वे बेखौफ होकर सोलन पहुंचे, उनकी फसल के उचित दाम दिलवाने में सोलन एपीएमसी पूरी मदद करेगा और किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी उन्हें नहीं आने दी जाएगी। वहीं सब्जी मंडी में मजदूरों की कमी ना रहे, इसको लेकर भी एपीएमसी सजग नजर आ रही है और मजदूरों से संपर्क साधा जा रहा है। एपीएमसी सोलन का प्रशासन 4 महीनों से बिना छुट्टी किए सोलन मंडी की व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें उन्हें लगातार कामयाबी भी हासिल हो रही है। अधिक जानकारी देते हुए एपीएमसी के सचिव डॉक्टर आर के शर्मा ने बताया कि सेब के व्यापारियों और बागवानों को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ खरीदार जो अन्य राज्यों से सोलन और परवाणु की मंडी में सेब खरीदने के लिए आते थे, उन्हें वहाँ की सरकार पास उपलब्ध नहीं करवा रही थी। इसके लिए एपीएमसी ने उन्हें विशेष सर्टिफिकेट जारी किए हैं, ताकि वे उनके आधार पर पास लेकर सोलन आ सकें। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के डीएम से भी संपर्क साधा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेब और टमाटर का सीजन एक साथ चलता है, जिसके चलते यहाँ काफी भीड़ देखी जाती है। इसके लिए एपीएमसी पहले से ज्यादा चौकन्नी हो चुकी है, हर बात का बारीकी से ख्याल रखा जा रहा है। इवन और ऑड के फॉर्मूले पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षित रहें और सेब और टमाटर का व्यापार भी प्रभावित ना हो, इसके लिए ठोस रणनीति बनाई जा रही है। तो हम ये कर रहे हैं कि कुछ वायर्स हमें इंटीमेट कर रहे हैं एक मिशन एजेंट के थ्रू कि उन्हें वहाँ पे पास नहीं मिल रहे हैं। तो अगर पास नहीं मिल रहे हैं तो हमने एक सर्टिफिकेट यहाँ से जनरेट किया है वहाँ के कंसर्न डीएम को कि वो उनको आने दें यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि वो यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं। क्योंकि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये पक्का चाहिए कि ये सच में काम के लिए जा रहे हैं या कहीं ऐसे घूमने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ से हमने सर्टिफिकेट जनरेट किया है। जैसे वो लोग आएंगे, मान लो बाहर से कोई भी आएंगे, तो उनको अपने ही खर्चे पे होटल वगैरह में रुकना होगा, तो उसके लिए क्वारंटाइन की जो फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट करेगी अपने लेवल पे, लेकिन खर्चा उनको अपना करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग की जहां तक हम बात कर रहे हैं, तो हमने ये भी देखा था कि ऑड इवन का कोई फार्मूला यहां यूज करेंगे, लेकिन अभी उसको पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तो हमने उस टाइम मौके के हालात के अनुसार ही हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन ये है कि सामने एप्पल मंडी और आप देखते हैं अंदर टमाटर का सीजन होगा, बाहर एप्पल का होगा, तो काफ़ी क्रिटिकल रहेगा, टफ जॉब है ये, लेकिन हम इसे बड़े तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा होगा कि मास्क बियरिंग हो, सैनिटाइजेशन हो, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करें, तो इसके लिए यहाँ जो टचलेस मशीन लगा रहे हैं, इन्फ्रारेड जो हमारे पास थर्मामीटर है, उसका भी अलग से हम ऑक्शन के थ्रू लोगों को हायर कर रहे हैं। तो अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की हम चूक नहीं करना चाहते, क्योंकि बड़े खतरे की बात भी है कि क्योंकि चारों तरफ से लोग मंडियों में आएंगे। तो पहले भी आपने देखा कि आपकी सोलन मंडी कार्यरत रही, संडे मंडे ट्यूसडे कोई छुट्टी नहीं की, कोई गजटेड हॉलीडे नहीं किए पिछले 4 महीनों से। तो स्टाफ का भी धन्यवाद है और किसानों का भी, आढ़ती भाइयों का भी, क्योंकि तीनों के सहयोग से ये हो पा रहा है। अगर एक भी इसमें कोई हमारा पॉइंट वीक होता है तो ये मंडी नहीं चल सकती थी।